अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका। तो मैं आई थी छत पे काफ़ी दिनों के बाद, तो मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं ऊपर आ नहीं सकी। अब मैं ऊपर आई हूँ, मैं फिर देखूँ पौधों का क्या हाल है, पानी से नहीं लगाऊँ तो पानी तो मैंने लगा लिया है। तो कुछ पौधे ऐसे हैं वो सही हैं, तो कुछ पौधे ना वो सूखे सूखा कोहरा पड़ता रहा ना, तो उसकी वजह से ना सड़ गए हैं। ये मैंने लगाया है न्याजबोस का पौधा, ये भी सारा ना इसके पत्ते सूख गए हैं, ऊपर से सूख गया, नीचे से ना नया फूटेगा। तो मैंने कहा पौधों की साफ सफाई कर लूँ। और ये मैंने लहसुन लगाया था, ये भी काफ़ी बड़ा बड़ा होया है, ये भी उतारूँगी। ये जो फार्मी लहसुन है ना मोटा, वो मैंने लगाया था, तो ये माशाल्लाह से ना काफ़ी इसकी ना भूखे रहती है, मोटी मोटी। वो देसी जो होता है ना उसकी बारीक बारीक होती है। अभी तो मुझे इतनी चाहिए। और ये भी सारा जल गया, इसकी भी मैं ना सफाई करूँगी। पत्ते कुछ जल गए हैं, सारे पत्ते इतने ज़्यादा थे तो वो सूख के ना खुद ही चढ़ गए हैं। कुछ ये सफाई करने वाली इसकी मैं करूँगी। और ये मेरे पौधे सही हैं बिल्कुल यहाँ तक। ये जो लेमन का है ये तो फूट रही है, ये उसकी ना गुड़ियाँ निकल आई, ये फूट रही है। और इसके पत्ते भी सारे जल गए हैं। और ये जो है ये पिछले साल मैंने नीचे रखा था, तो पिछले साल इसके पत्ते बिल्कुल ठीक थे, आप ऊपर रखे हैं ना। ये पौधा और ये दोनों एक जैसे ही हैं, ये दोनों ही ना पत्ते इसके सारे जल गए हैं और सूख गए हैं, ये नए से निकलेगा। और ये पौधा इसके पत्ते इतने प्यारे थे ना, ये भी सारा सूख ही गया है, ये भी नए से निकलेंगे पत्ते। ये बैक में ना लगता कोई मेहमान आए हैं या फंक्शन वगैरह हो रहा है, तो बहुत शोर शराबा हो रहा है। पहले तो बहुत खुशी होती है, तो रौनक लगी हुई है। हम भी छत पे आए हुए हैं, मशीन वगैरह लगाई हुई है यहाँ पे। हम मसलन रोटी के भोरे बना के रख देते हैं और चावल चुवल ये हमने रखा है। पानी परिंदों के लिए, गर्मी है ना तो प्यास बहुत लगती है। वैसे तो सर्दियों में भी परिंदे जो आते हैं ना वो पानी पीते हैं, वो डुबकियाँ भी लगाते हैं, नहाते हैं, खुश होते हैं, इतना मज़े करते हैं ना। जब हम ऊपर आते हैं ना तो हम भी खुश हैं कि ये देखो इंसानों की तरह ये भी कितने खुश हैं। तो आज संडे थे ना, तो बच्चियां घर थी, तो उन्होंने फिर मशीन लगा ली है। तो मैं आई ऊपर, तो वो ना अलम की तरफ ही मट्टी पड़ी थी बाहर से ना, वो ट्रैफिक गुजरती है ना तो इतनी मट्टी आ जाती है, वो भी मैंने सारी साफ सफाई की है। तो सर्फ डाल के ना धोया अच्छे से। तो ये हमारा फ्रेंड है, हमेशा उन्होंने गली गंदी की हुई है, मट्टी और इटे रखी हुई है तो उठा ही नहीं रहे। पाँव के साथ आती है लग लग के और इतना घर गंदा हो जाता है। यहाँ पे ना मैंने मिर्चें लगाई थी, तो ये काफ़ी ना पौधे बड़े बड़े हुए हैं। अब मुझे याद नहीं रहा कि मिर्चें ही हैं या कोई और है। वैसे तो मिर्चें मैंने लगाई थी, तो मैं किसी को दिखाऊँगी और फिर इसको ना शिफ्ट करूँगी दूसरे गमले में। इसकी पनीरी लगाते हैं पहले, तो फिर मैं यहाँ से जहाँ पनीरी लगाते हैं ना वहाँ से निकाल के दूसरी जगह पे लगाते हैं, तो अब मैं इसको ना निकाल के दूसरे गमले में शिफ्ट करूँगी। आज मैं बना रही हूँ कुछ डिफरेंट, तो आज मैं ना नींबू को बनाने लगी हूँ। तो सबसे पहले मैं बेसन डाल रही हूँ, और मैं ये ऐड करने लगी हूँ
साबुत जीरा, इससे ना बहुत मज़े की बनती है। और ये थोड़ी सी ब्लैक पेपर, और ये थोड़ा सा नमक, ये ना नीमको वो जो होती है ना थोड़ी लंबी लंबी, वो बनाने लग गए हम। जाते हैं ना गुजरांवाला तो रास्ते में ना इस तरह की मिलती है, तो मैंने कहा चलो मैं आज बच्चों को घर बना के देती हूँ, थोड़ी सी ट्राई करती हूँ कैसी बनती है, साथ और आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। ये ना ज़्यादा नरम नहीं बनाना, अगर नरम बनाएंगे ना तो फिर सही बनेगी नहीं, तो थोड़ी ये ना थोड़ा ये सेहत ही रखना है। और मेरी मम्मी को तो सब कुछ आता था बनाना, लेकिन मेरे अबू जो थे ना उनको भी बहुत कुछ आता था, ये मैंने उनसे ही सीखा है। इस तरह की वो चीज़ें ना बना लेते थे, और मैं आप बच्चों को बताती हूँ तो वो कहते हैं कि हमें तो बना के नहीं देती, तो मैंने कहा चलो आप आज मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बना के देती हूँ। अच्छा ये मैंने बना लिया, ये डो की तरह बना के रख दिए, थोड़ी देर इसको रेस्ट देते हैं, इसलिए कि थोड़ा नरम नहीं बनाना, थोड़ा सहत ही रखना है, नरम तो सही नहीं बनती और सहत से सही बनेगी। कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ा के ना तो मैंने घी डाल दिया था, वो अब गर्म हो गया है, तो ये मैंने ना चम्मच लिया बड़े सुराहों वाला, इसके ऊपर रख के ना, वैसे तो मशीन भी मिलती है, तो मैंने कौन सा हर रोज़ बनानी है। ये देखो अच्छा ये मैंने ना सिर्फ इतनी रखनी है लाइट ही, बस बाहर निकल के ना थोड़ी देर रखो, बाहर निकाल के रखो थोड़ी देर, तो फिर ज़्यादा ब्राउन हो जाती है, तो थोड़ी सी वाइट वाइट रखनी है, फिर ये ब्राउन खुद ही हो जाएगी, ठंडी होके ना तो ब्राउन हो जाएगी, इसका कलर ज़्यादा डार्क हो जाएगा फिर। ये देखो कितनी ही प्यारी बनी है ना, तो बहुत मज़े की भी बनी है, मैंने सिर्फ थोड़ी सी बनाई है इसलिए कि बच्चों को खुश करने के लिए, मैंने बताया तो बच्चे पीछे पड़ गए थे, वो कह रहे थे कि हमें बना के दें, तो मैंने कहा चलो मैं बनाती हूँ, थोड़ी सी बना देती हूँ, आपको पसंद आई तो फिर दोबारा बना के दूँगी। मैंने ना ब्राउन करना है तो फिर हम निकाल लेंगे, तो वैसे ही बनेगी जैसे बाजार से मिलती है, बहुत मज़े की बनती है। घर भी कोई भी चीज़ हो तो घर में बना सकते हैं, कोई ज़रूरी तो नहीं बाजार से ही लो, इंसान की अकल होनी चाहिए, हर एक चीज़ बन जाती है। ये देखिए इसको ना ऐसे चम्मच के साथ करना है, चम्मच खाने वाले चम्मच के साथ ना, किसी चीज़ के साथ भी कर लेते हैं, तो नीचे से ना ये ऐसे गिरती है। ये देखिए माशाल्लाह इतनी प्यारी बनी है ना, ये देखिए तीतरी क्रंची तो मज़ेदार, वो जो मैंने ज़ीरा डाला ना तो नमक तो काली मिर्च उसके साथ तो इतनी मज़े की बनी है, तो ये आप बना के किसी जार में डाल के ना तो रख सकते हैं, थोड़ी सी बाजार से पीनट ले लो और इसमें मिक्स कर लो, तो जार में डाल के रख दो, जार में वो सिली भी नहीं जाती, क्रंची रहती है, कोई मेहमान आए तो सब भी कर सकते उसके आगे रख सकते हैं, बहुत मज़े की बनी है, आप लोग भी बनाना ट्राई करना, बहुत मज़े की बनती है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, दुआ में याद रखना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।